पढ़ना है परिवार के प्रकार टाइप और टाइप जो है कई आधारों पर पढ़ना राइट जैसे संरचना के आधार पर दूसरा विवाह संबंध के आधार पर तीसरा रक्त संबंधी परिवार चौथा निवास के आधार पर और पांचवा उत्तराधिकार के आधार पर यानी पांच आधारों पर आप परिवार के प्रकार को पढ़ेंगे टाइप्स को पढ़ेंगे और ये ध्यान में रखना है कि अगर इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे कि परिवार के प्रकार की विवेचना करें और आपको दूसरा क्वेश्चन आता हो तो उसी को लिखिएगा राइट right? क्योंकि इसमें समस्या क्या है कि पांच तो मेजर है इसके बाद सबका अलग अलग ब्रांच है राइट right? तो इसमें परिवार के जो प्रकार हैं वो कई प्रकार हो जाते हैं और इसलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जो कि कम शब्दों में उसको प्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल होता है और ये जनरल भी है तो लगभग सारे लोग इसको टच कर सकते हैं राइट right? मतलब क्वेश्चन का नेचर इतना सामान्य प्रकृति का है कि कोई भी इसको टच कर सकता है चौथा जो हमारा मेजर टॉपिक इसके अंतर्गत है वो हमें पढ़ना है परिवार के प्रकार यानी फंक्शन ऑफ़ फैमिली और पांचवा मेजर टॉपिक जो है वो है परिवार पर औद्योगिकीकरण नगरीकरण एवं नारी आंदोलनों का प्रभाव और दो कंसेप्ट भी आप समझ सकते हैं इसके अंतर्गत एक कंसेप्ट है घरेलू समूह की जिसको डोमेस्टिक ग्रुप कहते हैं और दूसरा कंसेप्ट है गृहस्थ समूह की राइट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक ग्रुप एंड हाउस होल्ड तो मेजर जो हमारे पास टॉपिक है वो परिवार से संबंधित ये टॉपिक है और इन सारे टॉपिक को हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे राइट right? इसके अंतर्गत मेजर हमारे पास ये है और ये भी बहुत ही सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और चूँकि परिवार जो है मानव समाज की एक प्राथमिक संस्था भी है और मानव समाज का एक प्राथमिक संघ भी है एसोसिएशन भी है या समूह भी है और इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं राइट तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग ये यहाँ से शुरू करें परिवार की परिभाषा और परिवार की उसके बाद सार्वभौमिकता को हम लोग पढ़ेंगे पहले हम समझने का प्रयास करें कि परिवार है क्या और उसके बाद जो परिवार के अंतर्गत जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है परिवार की सार्वभौमिकता जो इम्पॉर्टेंट भी है और इसकी समझने में हम लोग केस स्टडी का भी इस्तेमाल करते हैं ध्यान ये रखना है कि जो टॉपिक केस स्टडी जिसपे किया गया है और उसी प्रश्न अगर आते हैं तो उसका आंसर लिखना हमारे लिए फायदेमंद होता है राइट तो हम लोग प्रारंभ करें पहला टॉपिक परिवार क्या है और फिर परिवार की सार्वभौमिकता तो देखो परिवार क्या है अगर हमें समझना है सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के अंतर्गत तो हम सबसे सूक्ष्म रूप में अगर हम कहें तो परिवार एक घरेलू समूह है जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं है ना परिवार एक घरेलू समूह है जिसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे निवास करते हैं दूसरा जब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो परिवार जो है मानव समाज की प्राथमिक संस्था है और ऐसे संस्था के रूप में परिवार जो है मानव समाज में महत्वपूर्ण फंक्शन करता है महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करता है जो कि हम प्रकार के अंतर्गत देखेंगे तीसरा हम कह सकते हैं कि परिवार एक महत्वपूर्ण संघ है मानव समाज की एसोसिएशन है जिसकी अपनी स्ट्रक्चर है और इसके माध्यम से समाज कुछ अपने निश्चित आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और इस रूप में आपको परिवार को समझना है राइट यानी परिवार की समझ हमें डेवलप करनी है कि एक ऐसा सामाजिक समूह है एक ऐसा घरेलू समूह है जिसमें रक्त संबंधी और विवाह संबंधी दोनों ही नातेदार निवास करते हैं अगर हम परिवार की बात करें तो एक परिवार में पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वह विवाह संबंधों पर आधारित है और माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध जो है वह रक्त संबंध पर आधारित है तो ये रक्त संबंध और विवाह संबंध से निर्मित प्राथमिक घरेलू समूह है और ये मानव समाज की संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका करते अदा करती है और यह मानव समाज की एक प्राथमिक संस्था भी है जो मानव के लिए महत्वपूर्ण प्रकारियों का संपादन करती है और इसके माध्यम से आप परिवार को समझ सकते हैं राइट right? है ना बाद में हम लोग लिख लेते हैं आप पहले जो है ना पहले आप इस चीज़ को समझ लो फिर मैं डिक्टेट कराता हूँ टोटल चीज़ इसमें लिखाता हूँ मैं एक राउंड में हम लोग पूरे चीज़ों को समझ लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या है और फिर पूरे टॉपिक को मैं डिक्टेट कराता हूँ है ना कैसे उसमें पुलिस स्टॉप कमा सब लगा करके जो डिक्टेट कराना है वो मैं डिक्टेट कराता हूँ इसलिए पहला काम करना है कि समझदारी डेवलप करना है राइट right? दूसरा जो देखो ये तो शुरू करने के लिए है जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि परिवार से आप क्या समझते हैं क्या परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है विवेचना करें तो जब परिवार से आप क्या समझते हैं ये जो चीज़ पूछा जाएगा तो फिर हम उसको परिभाषित कर देंगे दो लाइन चार लाइन में परिभाषित कर देंगे या हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि परिवार से आप क्या समझते हैं परिवार के कितने प्रकार हैं उसकी विवेचना करें परिवार से आप क्या समझते हैं परिवार मानव समाज में क्या फंक्शन करता है परिवार से आप क्या समझते हैं परिवार पर अध्यवीकरण नगरीकरण और नारी आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा तो दरअसल जो टॉपिक है इसको जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो स्टार्ट करने के लिए ये है परिवार की परिभाषा या परिवार क्या है राइट जिसपे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको स्टार्ट करने के लिए और उसके साथ टेल जुड़ा होगा मेजर जो क्वेश्चन का संदर्भ होगा वो उसके टेल से होगा केवल स्टार्ट करने के लिए राइट दूसरा जो इसका मेजर टॉपिक है परिवार की सार्वभौमिकता देखो इसका मतलब ध्यान ये रखना है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है है ना देखो सार्वभौमिक संस्था का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ कि क्या परिवार दुनिया के सभी समाजों में पाया जाता है एक समान मीनिंग इसका ये हुआ क्या परिवार दुनिया के सभी समाजों में पाई जाती है दूसरा जब हम संस्था की बात कर रहे हैं तो संस्था जो है एक प्रकार्यात्मक यानी फंक्शनल कंसेप्ट होता है तो ठीक है दुनिया के सभी समाजों में पा जाता है तो क्या दुनिया के सभी समाजों में परिवार एक जैसा काम करता है राइट right? क्योंकि परिवार कार्य करता है।, है ना आप अगर यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं तो इसमें परिवार का फंक्शन है क्योंकि परिवार आपको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है मेंटल सपोर्ट दे रहा है सारी तरह से सपोर्ट कर रहा है और यहाँ तक आप पहुँचे ये परिवार के बदौलत पहुँचे हैं तो इसमें हमें दो चीज़ को ध्यान में रखना है कि क्या परिवार सभी समाजों में पाई जाती है और दूसरा कि क्या परिवार सभी समाजों में एक समान प्रकारों का संपादन करती है फंक्शन करती है कार्य करती है अब देखो ये जो टॉपिक है ये डिबेटेबल टॉपिक है थोड़ा सा इस पर विवाद है हैं तो विवाद जो है तो इसी परिवार की सार्वभौमिकता की जो शुरुआत मानव विज्ञान में होती है इस अवधारणा की आधारशिला रखते हैं प्रसिद्ध मानव शास्त्री जीपी माडक राइटी माडक ने उन्नीस सौ उनचास ईस्वी में दो सौ पचास समाजों के बीच अंत सांस्कृतिक अध्ययन किया अंत सांस्कृतिक अध्ययन क्रॉस कल्चरल स्टडी यानी कि अलग अलग 250 समाजों में इन्होंने अध्ययन किया कि क्या परिवार इनमें है या नहीं है या परिवार है तो परिवार इनके बीच क्या कार्य कर रही है राइट right? तो जब ये अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन में जीपी पी माडक ये पाते हैं कि दुनिया के सभी समाजों में परिवार है और दुनिया के सभी समाजों में परिवार कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों का संपादन करती है राइट जिसकी चर्चा इन्होंने अपनी कृति जो है इन्होंने एक बुक लिखी है सामाजिक संरचना राइट ये सोशल स्ट्रक्चर नाम से इन्होंने एक बुक लिखी इस अध्ययन के आधार पर और इस सोशल स्ट्रक्चर नामक बुक में इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत किया कि जो नाभिकीय परिवार है केंद्रीय परिवार जो है जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं ये परिवार का आधारभूत स्वरूप है और परिवार के अन्य स्वरूपों का निर्माण अन्य संरचनाओं का निर्माण न्यूक्लियर परिवार के मिलने से होती है जैसे ज्वाइंट फैमिली आप देखोगे कि ज्वाइंट फैमिली में क्या है दो या दो से अधिक न्यूक्लियर फैमिली आपस में मिल के फैमिली बनाते हैं उसी तरह से विस्तृत परिवार भी दो या दो से अधिक ज्वाइंट फैमिली मिलकर विस्तृत परिवार बना देते हैं उसमें भी कई न्यूक्लियर फैमिली होती है तो ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फैमिली ही परिवार का मूलभूत आधारभूत स्वरूप है इसी न्यूक्लियर फैमिली से परिवार के अन्य स्वरूपों का निर्माण होता है और दुनिया के सभी समाज में जितने भी समाज हैं दुनिया के उसमें जो नाभिकीय परिवार है ये महत्वपूर्ण प्रकारों का संपादन करता है राइट right? जो नाभिकीय परिवार है यह दुनिया के सभी समाजों में कुछ मूलभूत फंक्शन करता है और इस फंक्शन में इन्होंने चार महत्वपूर्ण फंक्शन की बात की है एक तो इन्होंने कहा कि दुनिया के सभी समाजों में परिवार पति पत्नी के बीच नियमित यौनाचार है ना रेगुलर जो सेक्स है उसको रेगुलेट करता है यानी पति पत्नी के जौन संबंधों का नियमन करता है ये परिवार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि दुनिया के सभी समाजों में परिवार अपने सदस्यों के विवाह का आयोजन करता है और विवाह के बाद पति पत्नी के बीच जौन संबंध जो है उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होता है और ये काम परिवार ही करता है इसलिए परिवार दुनिया के सभी समाजों में ये कार्य करता है दुनिया का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार का ये ड्यूटी नहीं है कि वह अपने मेंबर का विवाह कराए राइट right? दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया वो प्रकार बताया कि परिवार प्रजनन का कार्य करता है राइट right? रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का होल प्रोसेस अब हम लोग अस्पतालों में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को संपादन कर रहे हैं अदरवाइज परिवार जो है अगर लेडी प्रेग्नेंट हो गई तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट परिवार दिया करता था और परिवार उसकी व्यवस्था करता था इसलिए इन्होंने पाया कि प्रजनन की जो प्रक्रिया है रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है उसमें परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है तीसरा जो इन्होंने काम बताया ये बताया अर्थोपार्जन यानी ये कह रहे हैं कि परिवार में पति पत्नी के बीच आर्थिक सहयोग आर्थिक सहयोग से अर्थोपार्जन किया जाता है है ना हम लोग देखेंगे आगे ये कहते हैं कि परिवार क्या करता है कि पति पत्नी के बीच श्रम विभाजन करता है लेबर करता का डिवीजन करता है और आमतौर पर जिस समाज का अध्ययन उन्नीस में कर रहे थे तो इसमें पाया इन्होंने कि पति समान तौर पर घर से बाहर के कामों को करता है और पत्नी घर के काम करती है लेकिन अगर पति घर से बाहर काम करता है तो उसके काम के लिए जो मैनेजमेंट का काम करती है वो पत्नी ही करती है इसलिए पति की कमाई में पत्नी का भागीदारी है राइट और चौथा जो काम है ये काम है बच्चों का समाजीकरण तो ये चार जो चीज है इसके आधार पर जी पी मडक ने कहा कि दुनिया के सभी समाजों में परिवार है और दुनिया के सभी समाजों में परिवार इस तरह के चार प्रमुख प्रकारों का संपादन करता है राइट और देखो ये केस स्टडी है इसलिए हम यहीं से शुरू करते हैं पहले तो परिवार को एक संस्था के रूप में हम परिभाषित कर देंगे फिर जी पी के केस स्टडी की चर्चा करेंगे और फिर जी पी ने जो बातें कही उसकी आधार पर हम आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे दूसरा इनकी अवधारणा को सपोर्ट किया एक अदर समाजशास्त्री हैं टोलकट पर्सन्स राइट right? ये टॉलकट पर्संस ने कहा कि समाजीकरण यानी बच्चों का समाजीकरण परिवार का महत्वपूर्ण प्रकार है और दुनिया के सभी समाजों में परिवार बच्चों का समाजीकरण करता है यहाँ समाजीकरण का मतलब क्या है आगे भी हम लोग देखेंगे कि देखो जब जन्म के समय बच्चा जन्म लेता है तो वह एक बायोलॉजिकल एनिमल होता है एक जैविक प्राणी होता है और जैविक प्राणी से वह सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बनता है तो जन्म के बाद वो सारा चीज़ परिवार से सीखता है जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसमें रोने की क्षमता होती है वो आवाज़ निकाल सकता है साउंड निकाल सकता है लेकिन वो भाषा नहीं जानता है तो बच्चा परिवार से भाषा सीखता है अब बच्चे को अगर आप ब्रिटेन में रख दोगे तो अंग्रेजी बोलेगा इंडिया में हिंदी भाषी क्षेत्र में रखोगे तो हिंदी बोलेगा तमिल भाषी क्षेत्र में रखोगे तो तमिल बोलेगा यानी परिवार से ही वो भाषा सीखता है परिवार उसके लिए प्राथमिक पाठशाला का, का काम करता है क्योंकि आज भी आप देखोगे समाज में तो आज भी लोग सामाजिक संबंधों में परिवार को बहुत महत्व देते हैं कारण क्या है कारण ये है कि समान रूप से जैसा परिवार होगा वैसे ही बच्चों का समाजीकरण करेगा वैसे ही बच्चों में पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा जैसे आप देखोगे कि जो हमारे पेरेंट हैं है ना? तो शादी विवाह के मैटर में वो लड़का लड़की से भी ज़्यादा उसके परिवार को अहमित देते हैं वो केवल इस कारण से किसी के यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि लड़का जॉब में है राइट या लड़की जॉब में है वो फिर उस पर बात करेंगे कि वो किस परिवार से बिलोंग करता है right? राइट उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है देखो पारिवारिक पृष्ठभूमि से हम क्या पता करना चाह रहे हैं तो पारिवारिक पृष्ठभूमि से बेसिक रूप में हम उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को पता करना चाह रहे हैं इसलिए समान रूप में आप देखोगे कि एक जनरल ट्रेंड है कि लोग समान रूप में बातचीत के क्रम में कहते हैं डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है अपराधी का बेटा अपराधी होता है तो क्यों ऐसा हो रहा क्योंकि समाजीकरण का प्रोसेस उसका उस तरह का है जो उसको समाजीकरण कर रहे हैं जो बच्चा बचपन से सीख रहा जो उसको टारगेट हम निर्धारित कर रहे हैं जिससे और हम उसको ले जाना चाह रहे हैं अगर वो सही डायरेक्शन में गया तो चीज को अचीव कर ले रहा तो क्रिमिनल का बच्चा बचपन से क्रिमिनल गतिविधि को, तो को देखता है तो उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है पॉलिटिशियन का बच्चा पॉलिटिकल व्यवस्था को देखता है तो उसका माइंडसेट वैसा हो जाता है वो भविष्य में पॉलिटिशियन बन जाता है राइट उसमें वंश का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि वह परिवार से बिलोंग कर रहा है इसलिए बन रहा क्योंकि परिवार से अगर वो बिलोंग करता है किसी खास परिवार से तो उसको एक ही बार मौका मिलता है ना कि उस परिवार से बिलोंग किया और एक बार उसको टिकट मिल गया वो चुनाव जीत गया लेकिन दोबारा अगर वो चुनाव जीत रहा तो इस बात पर जीत रहा कि उसने जनता से कांटेक्ट किस प्रकार का बनाया है right? राइट इसलिए डेमोक्रेसी में आप केवल बात नहीं कह सकते कि, कि किसी व्यक्ति को पारिवारिक पृष्ठभूमि है और उस पृष्ठभूमि के कारण ही वो राजनीति में है क्योंकि ठीक है पहली बार तो उसको उसका लाभ मिल रहा लेकिन दूसरी बार उसको लाभ नहीं मिल रहा दूसरी बार जब पब्लिक उसको वोट करने जा रही है तो वहां उसके कार्य जो है जरूरी माने रखते हैं और इसलिए यह सारा चीज समाजीकरण के माध्यम से हो रहा तो एक अप्रोच तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि परिवार मानव समाज की सर्वमुष संस्था है इसको हम लोग लिखेंगे ध्यान रखना है दूसरा कुछ मानवशास्त्री जो है वो इसके अगेंस्ट में अपनी बात रखते हैं राइट एक तो ये दोनों व्यक्ति क्या किए कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है लेकिन कई लोग जो हैं इस परिवार की सार्वभौमिकता की जो अवधारणा है इस अवधारणा की आलोचना करते हैं राइट right? कई लोग इस अवधारणा की आलोचना करेंगे और इस अवधारणा की जो आलोचना है तो इसमें एक महत्वपूर्ण है लिटन राइट right? और लिटन ने केरल के नायर जनजाति का अध्ययन किया केरल के नायर जनजाति का यह अध्ययन करता है और केरल का जो नायर जनजाति है ये जनजाति में मातृपक्षीय परिवार की संकल्पना है राइट right? मातृपक्षीय परिवार और मातृपक्षीय संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली इसमें पाया जाता है जिसको हम थारवाड़ बोलते हैं परिवार का यह नाम है थारवाड़ बोलते हैं ये कह है रहे हैं कि केरल के जो नायर जनजाति है उसमें जीपी पी माडक द्वारा जो परिवार का प्रकार बताया गया कि परिवार ये चीज़ फंक्शन करता है उसे को फुलफिल नहीं किया जाता है right? राइट उसको फुलफिल नहीं किया जाता है तो कैसे नहीं किया जाता है उस चीज़ को कैसे नहीं किया जाता है तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि नायर जनजाति में जब किसी एक लड़की का किसी पुरुष से विवाह होता है तो विवाह के उपरांत पति जो है उसके परिवार का सदस्य नहीं होता पहला चीज और जब भी लड़की यंग हो जाती है जवान हो जाती है तो उसका जौन संबंध उसके अतिथि गृह यानी उसके थरवाड़ में आने वाले नामुद्री ब्राह्मण के साथ होता है और जो नामुद्री ब्राह्मण है उसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है तो नायर जो परिवार है उसमें पति पत्नी के बीच जौन संबंध नहीं हो रहा पहला चीज लिटन कह रहे हैं कि नायर में पति पत्नी के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित ना होकर के नायर गर्ल का नायर लड़की का सेक्सुअल रिलेशनशिप नामुद्री ब्राह्मण के साथ हो रहा जो उसका पति नहीं है राइट right? दूसरा कि नायर परिवार में प्रजनन में पति की कोई भूमिका नहीं है क्योंकि प्रजनन में नामोदी ब्राह्मण की भूमिका है जो कि नायर स्त्री का पति नहीं है तीसरा कि नायर परिवार में पति पत्नी के बीच जो है आर्थिक सहयोग की संकल्पना नहीं है डिविजन ऑफ लेबर नहीं है क्योंकि नामोदी ब्राह्मण भी इसके परिवार का सदस्य नहीं है और इसका अपना जो पति है वो भी इसके परिवार के साथ नहीं रहता और चौथा कि बच्चों के समाजीकरण में पिता की कोई भूमिका नहीं है और चूंकि बच्चों के समाजीकरण में पिता की कोई भूमिका नहीं है इसलिए केरल के नायर जनजाति में परिवार की संकल्पना नहीं पाई जाती है राइट right? ये बड़ा यूनिक है आप अभी सुन रही होगी तो आपको लगेगा कि एक ऐसा सिस्टम है ये बड़ा यूनिक सिस्टम है जहाँ पर लड़की का विवाह छः सात वर्ष की उम्र में हो जाता है और जब वो लड़की यंग होती है जवान होती है तो उसका अपने पति के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं होता वो नामुदी ब्राह्मण के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करके बच्चे को जन्म देती है लेकिन बच्चे का जो पिता है वो उसका पति ही माना जाएगा सामाजिक पिता उसका पति ही कहलाएगा कोई बच्चे के पिता के रूप में नामोदीप ब्राह्मण की नाम नहीं लेगा हुँ? ये एक बहुपति प्रथा प्रणाली वाली परिवार है है ना ये बहुत यूनिक है है ना? जो पहली बार अगर कोई सुनता है तो उसको लगता है कि ये कैसा सिस्टम है है ना? पहली बार अगर कोई अगर सुनता है तो उसको लगेगा कि ये कैसा सिस्टम है राइट और इसलिए नायर में ये चीज़ें है तो ये चीज़ें जीपी माडक ने जो चीज़ें बताई है उससे माडक की जो बातें की गई कि परिवार दुनिया के सभी समाजों में परिवार सार्वभौमिक है उसको ये प्रूफ नहीं करता यानी नायर में परिवार की संकल्पना नहीं पाई जाती नहीं कैथलिन गप ने अलग डायमेंशन में अध्ययन किया लीटन ने उसको अलग डायमेंशन में अध्ययन किया लीटन ने जीपी मार्डक ने जो संकल्पना स्थापित की उस संकल्पना को क्रॉस चेक करने के लिए लीटन ने फिर इसका अध्ययन किया कोई ऐसा नहीं है कि एक ही सोसाइटी को चार एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं एक ही सोसाइटी को कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ सकते हैं तो मॉडक ने जो विचार रखा कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है उसको लिटन ने फिर क्रॉस चेक किया नायर के आधार पर और नायर के आधार पर यह कह रहे हैं कि परिवार मानव समाज की प्राथमिक संस्था नहीं है सार्वभौमिक संस्था नहीं है दूसरा इसके अगेंस्ट में जो केस स्टडी है ये आरटी स्मिथ का है राइट और ये ब्रिटिश न्यू गिनी का अध्ययन करते हैं राइट right? और ये ब्रिटिश न्यू गिनी के सोसाइटी का तीन प्रमुख कस्बे का अध्ययन इन्होंने किया तो इन्होंने पाया कि इन ब्रिटिश न्यू गिनी में लगभग 26 से लेकर 30 प्रतिशत तक ऐसे परिवार हैं जिसको ये मातृ केंद्रित परिवार कहते हैं मातृ केंद्रित परिवार मातृ केंद्रित परिवार का मतलब क्या है कि इसमें माता एवं संतान से मिलकर परिवार बन रहा इसमें पति या पिता परिवार का मेंबर नहीं है और यह 26 से 30 प्रतिशत तक राइट तो जो परिवार है उसमें केवल मां और उसके बच्चे हैं उसके दो ऑप्शन है दो तरह की बातें इसमें हैं कि इस सोसाइटी में विवाह के पूर्व भी जौन संबंध को मान्यता प्राप्त है और अगर विवाह के पूर्व जौन संबंध स्थापित हुआ और स्त्री प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने बच्चे को जन्म दे रही है हाँ उस समय उस सामाजिक रूप से ये 26 से 30 प्रतिशत तक पाई जा रही है या दूसरा कि पति छोड़ के चला गया फिर लेकिन फिर भी जो परिवार दिखाई दे रहा परिवार की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उस स्ट्रक्चर में 26 से 30 प्रतिशत ये सैंपल कम नहीं है जिसमें पति या पिता परिवार का सदस्य ही नहीं है तो जब पति परिवार का सदस्य नहीं है तो इसका मतलब है कि पति पत्नी के बीच नियमित जौन संबंध यहाँ नहीं है प्रजनन में पति की भूमिका नहीं है पति पत्नी के बीच आर्थिक सहयोग नहीं है और बच्चों के समाजीकरण में पति या पिता की कोई भूमिका नहीं है तो इसी भी इन्होंने जीपी मार्डक माडक के जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट के विरुद्ध में इसका इस्तेमाल किया और फिर इन्होंने कहा कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था नहीं है तीसरा जो स्टडी है ये है स्पाइरो का देखो ये सब केस स्टडी है जो आप मतलब सुनते हो कई बार आप सुनोगे कि मानव विज्ञान में केस स्टडी के माध्यम से लिखने से मार्क्स मिलेगा लोग केवल केस स्टडी का नाम लेते हैं बताते नहीं है कि केस स्टडी कहां से आएगा राइट आप आमतौर पर देखोगे सोशल मीडिया पे तो कई आपको मिल जाएगा टॉपर लोग का भी मिल जाएगा जिसमें वो लोग कहेंगे कि केस स्टडी जो है इसमें लिखना चाहिए और ज़्यादा केस स्टडी बताएंगे नहीं राइट केस स्टडी का कलेक्शन करना है फिर उसको केस स्टडी के माध्यम से जब हम लिखेंगे तो उसमें हमें मार्क्स काफ़ी बेहतर मिलता है तो एस्पायरो ने इसराइली किबुत्स का अध्ययन किया है इजरायली कीबुच और इसमें इन्होंने कहा कि कीबुत् जो है इसमें बच्चों का समाजीकरण सामूहिक रूप से किया जाता है यानी बच्चों का किबुच्च में उनका एक संगठन है जिसमें बच्चे को कलेक्टिवली उनका लालन पालन और उसको एजुकेशन दिया जाता है उनके बीच भेदभाव नहीं किया जाता उसमें उनके माता पिता की कोई भूमिका नहीं है तो इन केस स्टडी के माध्यम से इन अध्ययनों के माध्यम से इन लोगों ने स्थापित करने का प्रयास किया कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था नहीं है तो हमारे पास दो तरह के चीज़ें आ रही हैं एक चीज़ आ रही है कि जी पी माडक ने इसको स्थापित किया कि परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था सार्वभौमिक संस्था यानी सभी समाजों में पाई जाती है और सभी समाज में चार प्रमुख प्रकारों का संपादन करती है इन लोगों ने इन उदाहरणों के माध्यम से ये दिखाया कि नहीं परिवार की अवधारणा सारे समाजों में नहीं पाई जाती है और दुनिया के सभी समाजों में परिवार एक तरह का कार्य नहीं करता राइट तो दो तरह के हमें विचार मिले अंततः इन्हीं विचारों पर हमें निष्कर्ष लिखना होता है राइट right? तो इन्हीं विचारों पर जब हमें निष्कर्ष लिखना होता है तो समान रूप से मानव शास्त्रियों का यह दृष्टिकोण है कि परिवार जो है उसके अंतर्गत जो ये स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है परिवार का जिसमें लिटन कह रहे हैं कि केरल के नायर में परिवार नहीं है आर स्मिथ कह रहे हैं कि ब्रिटिश न्यूगी में नहीं है एस्पायरो करें कि इजराइली की में नहीं है तो ये एक विशिष्ट परिस्थितियों की उपज है राइट और ये अपा अपवादजनक स्थिति की भी उपज है विशिष्ट परिस्थितियों की उपज और अपवादजनक भी है राइट यहाँ कंसेप्ट है कि कभी ना कभी हो सकता है पति या पिता परिवार का मेंबर रहा हो बाद में छोड़ के चला गया विच्छेद हो गया यह कंसेप्ट है कि परिवार में पति है पिता है केवल बच्चों का समाजीकरण जो है वो परिवार के द्वारा नहीं किया जा रहा है लेकिन पति पत्नी के बीच जौन संबंध पति पत्नी के द्वारा प्रजनन आर्थिक सहयोग है यह जहाँ तक केरल के नायर का प्रश्न है तो ये, ये एक यह एक विशेष परिस्थिति की उपज है और यह यह इसे एक अपवादजनक स्थिति के रूप में एक्सेप्शन के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं और इन अपवादजनक स्थितियों को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया के सभी समाजों में परिवार है और परिवार जी पी द्वारा प्रतिपादित जो फंक्शन है जो प्रकार है उसके अनुरूप परिवार मानव समाज में फंक्शन करती है और इसलिए परिवार मानव समाज की सार्वभौमिक संस्था है